by the production house of D'Souza's, casting one of the best dancers and choreographers of India, Raghav Joyal, Dharmesh Yalande and Puneet Pathak, जिसकी story most probably दीवाना हुए पागल movie और डॉली की डॉली movie की mixture लगती है, जिसमें special appearance करने वाले actors और actresses को पैसे दे देते थे, movie का budget ही खत्म हो गया और फिर पूरी movie यूपी शहर की गलियों में shoot करनी पड़ी। So today we gonna revisit the movie Nawabzade, which was directed by Jayesh Pradhan. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Here meet Dharmesh as Salim, जो कि मूवी में सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है। मतलब पढ़ा लिखा नहीं था और काम करता है कबाड़ी वाले का, और ये ऐसा कबाड़ी था मतलब अगर लोनिया बेच रही हो तो सारा वो कुछ भी खरीद लेता, चाहे वो आगे बिके या ना बिके। दूसरे हैं राघव एस करण, जो कि फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, मगर कहीं जॉब ना मिलने के कारण एक छोटे से दर्जी दुकान में नाप लेने का काम करता है। बट एस इज अ छपरी इन द मूवी, वो बार बार अपने मालिक से बदतमीजी करके छुट्टी ले लेता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तीसरे हैं पुनीत पाठक, जिनका मूवी में नाम अभिषेक होता है, लेकिन भाई सिर्फ नाम अभिषेक था, अभिषेक बच्चन जैसी एक्टिंग नहीं करनी थी। और भाई इस मूवी के जोक्स इतने डेड हैं जिसे सुनकर चाह कर भी नहीं हंस सकते, जरा आप खुद ही सुनो। तुम्हारे पास क्या है? अबे खाली ग्लास है, दारू डाल। ओके। तो इन तीनों को तलाश होती है एक ऐसी लड़की की जो बहुत शरीफ हो और जो सबके मन भाई यार। What the fuck? सड़क पे गिरी 500 का नोट है क्या, सबका मन भावेगी। So, अगले दिन ये तीनों निकल पड़ते हैं एक दूसरे के लिए लड़की ढूंढने अपनी RX 100 पे। बट यार RX 100 का तो मैन्युफैक्चर ही बंद हो गया है, फिर कैसे मिले? और इस चक्कर में यहाँ झारखंड में तो लोग KTM और DSLR ले रहे हैं अपनी जमीने बेचकर। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और फिर जब यहाँ पे सब मम्मी कसम खा रहे हैं, ये जो डांस कर रहे हैं, तभी टकलू यहाँ पर है। कैमरा थोड़ा दूर जाता है तो भी ये टकलू यही होता है, लेकिन जब कैमरा थोड़ी और दूर जाता है तब ये टकलू कतई मिस्टर इंडिया ही हो जाता है। और भाई ये सब चल रहा है फ्लैशबैक में, जो कि पुलिस स्टेशन के विंडो में दिखाई जा रही है, जहाँ थोड़ी देर पहले इनको उल्टा लटका के रखे थे, मगर रस्सियों को देखकर लगता नहीं है कि इन पर कुछ टंगा हुआ है, एकदम लूज लूज लग रहे हैं नहीं। और इस सीन में पुलिस वाला कहता है कि उतारे, तो ये हवलदार उनकी बेल्ट खोलने लग जाते हैं। फिर ये कहता है पैंट नहीं, इन्हें उतारो पूरा का पूरा। अब यार पैंट भी उतारने के लिए तो इन्हें नीचे तो उतारना ही पड़ता ना, क्योंकि ऐसे तो उल्टा रखकर पैंट तो उतरेगी नहीं। क्यों उतरेगी? नहीं ना। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अगले दिन उनके मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। जिसको देखकर पूरे मोहल्ले वाले दीवाने हो गए, इंक्लूडिंग 3 लीड स्टॉकर्स। फिर इनके बीच लड़ाई ना हो इसलिए तीनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि जिससे लड़की पटी लड़की उसकी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दीवाना हुए पागल मूवी की याद दिलाती है। फिर अगले दिन शुरू होती है इनकी छपरी हरकतें लड़की पटाने की, लेकिन राघव को तो पहली बार में सुनने को मिलता है नमस्ते भैया। और भाई जब इस सीन में कैमरा इस एंगल से दिखाया जाता है तब इनकी बाइक गायब हो जाती है, पर जब कैमरा वापस से एंगल बदलता है तो बाइक फिर से वहां आ जाती है। और वह पूरी मूवी में हीरोइन की सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है। और फिर जब लड़के का कोई रिप्लाई नहीं आता तो राघव हाथ में चाकू लेकर कहता है हाँ बोल दो, प्लीज बता रहा हूँ, हाँ बोल दो। और भाई इस पुलिस स्टेशन में क्या किसी को कोई काम नहीं है? सारे आराम से बैठकर इनकी कहानी सुन रहे हैं। और भाई ये पुलिस स्टेशन इस जमाने का नहीं लगता है, ये तो राजा भोज के जमाने का है, जहां मुजरिमों को रस्सियों से बांध कर रखा जाता था। लेकिन भाई इनके पुलिस स्टेशन में तो हथकड़ियां भी है, फिर भी रस्सी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, और रस्सी भी इतनी लूज बांध रखी है कि वो बंदा खुद ही रस्सी पकड़ के खड़ा है। और इस मूवी का विलन है वसूली भाई, जो कि मूवी में एक लोकल गुंडे और ड्रग डीलर होते हैं। Once upon a time, मूवी के सारे लीड एक्टर्स इंक्लूडिंग विलन जाते हैं एक कॉलेज के प्रोग्राम देखने, जहां पुलिस के डर से वसूली भाई अपने टकले गुंडे को ड्रग्स का पैकेट छिपाने के लिए कहता है। तो फिर वो टकले गुंडा जाकर ड्रग्स का पैकेट सलीम के बैग में छिपा देता है, लेकिन यार इसकी जरूरत क्या थी, वहां तो चेकिंग भी नहीं हो रही थी। फिर तीनों लौंडे लग जाते हैं अपने अपने जुगाड़ में लड़की पटाने के लिए, एक तो अपनी आधी कमाई लड़की की माँ को खाने के लिए देता है मगर खाना नहीं खा पाता है, दूसरा उसके बाप को दारू पिला पिला कर अपनी साइड कर लेता है, और तीसरा तो सीधे लड़की के दिल में जगह बनाने का सोच रहा था। मगर कुछ दिन बाद तीनों का बैंड बज जाता है जब वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करके आती है, और उसका पियक्कड़ बाप उनको कह कर जाता है रिसेप्शन में आना। म्यूजिक ओ, 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 ओ,
तीनों को धोखा मिलता है तब तीनों डिसाइड करते हैं किडनैप करेंगे। फिर तीनों लग जाते हैं किडनैपिंग की प्लानिंग प्लॉटिंग करने में। उसके बाद आता है पुलिस स्टेशन का सीन जहां सलीम अलग अलग जगह से धुआं निकाल के दिखाता है। फिर अगले दिन सलीम और करण लड़की को किडनैप कर लेते हैं और ले जाते हैं अपने अड्डे पे। उनको ले जाते टाइम वसूली भाई का टकलू गुंडा देख लेता है और भाई ये पुलिस वाला कैसा है, जब ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने लड़की को किडनैप किया था फिर भी इन लोग को जाने दे रहा है। फिर ये लोग जाते हैं वापस अपने अड्डे में जहाँ इनको मिलता है अभिषेक का फोन सैमसंग गैलेक्सी J2 जिसमें उस दिन की पूरी ब्लॉग रहती है विद बैकग्राउंड ब्लर विच कैन हार्डली रिकॉर्ड इन 720p। उसके अगले दिन उनके मोहल्ले में सब होली खेल रहे होते हैं जहाँ इन तीनों को मिलता है वो टकलू गुंडा जिसको ये लोग संतरा मार के गिरा देते हैं। और भाई यहाँ जब ये टकलू गुंडा ये रैंप लेकर आता है तब इसके नीचे कुछ नहीं होता है, पर जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तब यहाँ लकड़ी कैसे आ गई। और यहाँ गाड़ी उछलने से पहले गाड़ी के पीछे तीनों लड़के बैठे होते हैं मगर अगले सेकंड यहाँ दो पुतले नजर आते हैं। देखकर लगता है कि इन्होंने भी सलाद में ड्रग्स डालकर खाया था। फिर ये लोग पूरी मेहनत से टकलू के सर पे मटका फोड़कर और अपने आंखों से मिर्ची खाकर एटलास्ट टकलू गुंडा को पकड़कर पुलिस के पास ले जाते हैं जहां वो आगे की आधी स्टोरी बताता है। कहता है बाकी की स्टोरी उनके वसूली भाई को पता है, तो पुलिस वाले जाते हैं वसूली भाई को पकड़वाने के लिए। फिर वसूली भाई पुलिस स्टेशन आकर बताते हैं कि आधी रात को पता नहीं कहां से इतने सारे लोग आ जाते हैं और सीधे आके उनको मार नहीं लग जाते हैं, मगर इसे ये पता नहीं चलता कि आखिर वो लड़की गई कहां, तो इसलिए पुलिस फिर से सबको छोड़ देते हैं बाकी के सबूत ढूंढने के लिए। तो तीनों निकल जाते हैं पूरे शहर में सबूत ढूंढने के लिए और इस लड़की के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। फिर जिनको जिनको भी उन लड़की के बारे में पता होता है सबको पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं जहां पता चलता है कि लड़की ने तो सबको चूना लगाकर उनके पैसे उड़ाकर गायब हो चुकी है, जो कि सुनने में मोस्ट प्रोबेबली डॉली की डॉली मूवी की तरह लगता है। फिर अगले सीन में होती है हीरोइन की एंट्री एकदम छपरी इंस्टा मॉडल के स्टाइल में जहां पता चलता है कि सबको चूना लगाकर पैसे उड़ाना इनका फैमिली बिजनेस है जो कि कुछ ज्यादा ही प्रेडिक्टेबल होता है। फिर कहीं इश्क के मैदान में तंबू गाड़ने के लिए हम तीनों रवाना हो गए विद सलमान खान पोस्टर जहां इनको दिखती है शक्ति मोहन जिसे देखकर राघव कहता है बे लोंडिया ना चाहे तुझसे पटे या तुम्हारे भाई से पटे, दोस्ती में खटाई नहीं आनी चाहिए बस। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे नेक्स्ट कौन सी मूवी पे रिविजिट वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।